अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस्ड मैथ्स एक्सरसाइज 3A। तो ये चैप्टर 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ दो चीज़ है, एक तो है रेशियो और एक है प्रोपोर्शन, दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो यहाँ अब तक हम रेशियो की बात करेंगे, इसको छूट देंगे अपने हालत पे और नेक्स्ट में प्रोपोर्शन पर बात करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में रेशियो है क्या, हम क्या कहते हैं? बहुत सारे वक्त रेशियो की जिक्र करते हैं ना, रेशियो क्या है? रेशियो मतलब कुछ नहीं, रेशियो के सिंपल सा मतलब, सीधा साधा मतलब है तुलना करना, कंपेयर करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। तो वही होते हैं रेशियो के काम। मान लीजिए आपके हाथ में 12 पेन है और आपके दोस्त के हाथ में 20 पेन है। हाथ में नहीं बल्कि बैग में हो सकता है, हाथ में तो एक साथ 12 और 20 नहीं हो सकते ना। तो सीधा सीधा मतलब है आपके पास 12 पेन है और आपके दोस्त के पास 20 पेन है। तो आपके जहाँ आपके साथ जो पेन है और आपके दोस्त के साथ जो पेन है, इसकी रेशियो ऐसे ही होगा 12/20। तो आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से काटना, ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर मतलब एक से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसको काट सकते हैं, गौसम। तो देखिए इसको 4 से आप काट सकते हैं, तो 4 3 12, 4 5 20, 3/5 है, ठीक है। तो रेशियो की बात करें ना, तो आपके हाथ में जो पेन है और आपके दोस्त के हाथ में जो पेन है, इसकी रेशियो ऐसा ही होगा 3:5, ठीक है। ये जो कॉलम साइन है ना, इसको इस टू पढ़ते हैं, इस टू मतलब 3:5, सीधा मतलब ये है कि 5 में 3 है, ऐसा ही मतलब है। जैसा कि नॉर्मल फ्रैक्शन में ऐसे ही होते हैं ना, 5 बार करके 3 बार, मतलब 5 में 3 है, ठीक है। तो देखिए रेशियो तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/5, मतलब क्या है, एक फ्रैक्शन के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो भाई रेशियो का मतलब क्या है? जो दो या दो से ज़्यादा सिमिलर चीज़ों को इनके लिस्ट फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म में दिखाना, रिप्रेजेंट करना, वो होता है रेशियो के काम, ठीक है। तो देखिए यहाँ 12 पेन्स और 20 पेन्स के जो रेशियो होते हैं ना, ये 3:5 होते हैं या फिर 3/5। हाँ, यह जब तक जितने तक दोनों या दो से ज़्यादा कभी भी हो सकते, तो मान लीजिए दो नंबर, दो सिमिलर नंबर्स के क्वांटिटी के रेशियो निकलना है, तो जब तक जितने तक आसान है, पॉसिबल है छोटा करना, इतने तक छोटा करना चाहिए होगा। अब जब रेशियो की बात करेंगे, अब देखिए ये जो 3:5 है, यहाँ पहले जो नंबर होते हैं जब इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको पहले वाले नंबर को ऊपर में लिखना और बाद में जो होते हैं ना वो फ्रैक्शन टाइप में नीचे होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ जो दो नंबर्स आती है, मतलब दो पार्ट्स होते हैं ना, ये पहले नंबर जो है इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, और यहाँ जो दूसरा नंबर होते हैं ना इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। तो देखिए जब इसको फ्रैक्शन में लाया जाता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लाया जाता है, तब ये एंटीसीडेंट कहाँ पे होते हैं? ऊपर पे, और कॉन्सिक्वेंट नीचे में। फ्रैक्शन में इसको क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे जो होता है ना इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। लेकिन जब रेशियो की बात होगा ना, तब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बदले में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट कहना बेटर होगा, समझ गए ना? तो रेशियो तो थोड़ा सा आपने समझ लिया होगा। दूसरा एक चीज़ देखिए, रेशियो किस चीज़ों में, किस टाइप के क्वांटिटी में रेशियो बनती है? तो देखिए रेशियो होने के लिए सिमिलर चीज़ होना चाहिए, सिमिलर चीज़ के मेज़रमेंट होना चाहिए, मेज़रमेंट सिमिलर चीज़ के होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ अगर टाइम की बात करें, तो टाइम के केस में 2 या 3 या ज़्यादा नंबर की बात की जाए ना, तो सब टाइम को सूचित करना चाहिए। मान लीजिए 3 आवर्स इज टू
30 मिनट्स। यहाँ देखिए आवर्स है, आवर्स क्या है, ये तो टाइम है, 30 मिनट्स ये भी टाइम है। दूसरा है देखिए, मान लीजिए 70 मीटर इज टू 14 मीटर, 70 मीटर इज टू 14 मीटर, तो यहाँ दोनों मीटर में है, दोनों मीटर में है, ठीक है, लेकिन दोनों मीटर में है ये तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आवर्स में और ये मिनट्स में, भाई आवर्स में हो या फिर मिनट्स में या फिर सेकंड्स में, सभी तो टाइम बता रही है ना, समय बता रही है ना, तो इन दोनों में क्या होगा, रेशियो होगा। और ये दोनों दोनों तो मीटर है ना, ये तो और भी अच्छे से रेशियो होगा। दूसरा एक चीज़ देखिए, मान लीजिए 2 आवर्स इज टू 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, ठीक। क्या इन दोनों में रेशियो बन पाएगा? नहीं, इन दोनों में, इन दोनों से रेशियो नहीं बनेगी, क्योंकि ये आवर्स है, ये टाइम है और ये पैसा है, मनी है, ये मनी है, पैसे है यहाँ और यह टाइम है, तो पैसे और टाइम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए यहाँ 2 और 10 ये तो क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ मैटर अलग है, ये आवर्स और ये रुपीज़, यह यूनिट अलग है, तो जब यूनिट अलग है तब दोनों चीज़ पूरा ही अलग हो जाएगा, तो इसलिए आवर्स और रुपीज़ में कभी भी रेशियो नहीं होगी, ठीक है। सिमिलर चीज़ होना चाहिए, रेशियो के लिए 2 या 3 या इससे ज़्यादा नंबर की रेशियो की बात की जाए ना, तो वो सब सेम कैटेगरी की होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 70 मीटर 14 मीटर, अच्छी बात है भाई, दोनों तो मीटर में है, यहाँ आवर्स और मिनट्स है। अगर कहे कि है ये तो आवर्स में दिया गया है और ये तो मिनट्स में दिया गया है, तो क्या इससे रेशियो बनेगी? हाँ ज़रूर बनेगी भाई, यहाँ आवर्स है या फिर मिनट्स है या फिर सेकेंड है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं, दोनों से रेशियो बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ जब आवर्स में दिया गया और यहाँ जब मिनट्स में दिया गया, या तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना या फिर इसको आवर्स में कन्वर्ट करना, सीधा सीधा मतलब है जब आपको ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स सेम कैटेगरी की चीज़ होना चाहिए, सेम कैटेगरी की होना चाहिए, लेकिन यूनिट्स यहाँ अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो किसी एक को दूसरे की जैसा कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 आवर्स को हम इजीली मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 को 60 से इंटू किया जाए तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर 30 को अगर 60 मिनट से डिवाइड दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसकी तरह आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए बेटर होगा इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना, इसको अगर आवर में कन्वर्ट किया जाए तो ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकली डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे ही कन्वर्ट करके आप क्या कर सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। मान लीजिए 5 रुपीज़ और 50 पैसा, मान लीजिए 5 रुपीज़ और 50 पैसे, तो रुपीज़ और पैसे ये तो सेम कैटेगरी के है ना, मानी है, पैसे की बात है, तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर रेशियो लगाइए, क्या बात है। या फिर लिखिए किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर और मीटर की मीटर में रेशियो बनाया जाए ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम मिल जाए तो दोनों में से किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ अगर मीटर दिया जाए तो बेटर होगा किलोमीटर को भी मीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब रेशियो पर और थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, और वो ये है, रेशियो 2 टाइप्स के होते हैं, मान लीजिए 3:5 और एक रेशियो मान लीजिए 7:2। अच्छा रेशियो 3 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स नहीं, और एक रेशियो मान लीजिए 1:1, 1:1। तो यहाँ देखिए पहले जो नंबर होते हैं ना वो छोटा है, मतलब एंटीसीडेंट कौन से क्यों से छोटा है, तो इसको कहा जाता है प्रॉपर रेशियो। और दूसरी देखिए एंटीसीडेंट कौन से क्यों से बड़ा है, ग्रेटर है, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर रेशियो। अब इस पर आते हैं, देखिए रेशियो और कौन से एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों बराबर है तो इसको कहते हैं इक्वल रेशियो। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इक्वल फ्रैक्शन, तो यह देखिए इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो 3/5 होगा, यह होगा 7/2। रेशियो को कभी कभी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों सही है इस टाइप में या फिर इस टाइप में, दोनों सही है।
और इसके केस में क्या होते हैं, वन बाई वन मतलब वन होते हैं, ठीक है। तो जब रेशियो में इसको कन्वर्ट करना तो सिर्फ ऐसा वन नहीं, वन बाई वन ही लिखना बेटर है, क्योंकि ये रेशियो की बात है। तो देखिए ऊपर के जो नंबर न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन के केस में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और अगर छोटा है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो हम जब फ्रैक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं तो रेशियो तीन टाइप्स में आपको मिलेगा। एक है इम्प्रॉपर, जिसकी एंटीसीडेंट मतलब ऊपर के जो हिस्सा, यहाँ पहले जो नंबर है वो छोटा होगा, और अगर बड़ा है तो इम्प्रॉपर रेशियो, और अगर दोनों बराबर है तो इक्वल रेशियो। समझ गए ना। अच्छा, इस रेशियो पर और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ना तो जब भी जो प्रॉपर्टी चाहिए उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं है, इतने तक हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज गिवन बिलो वाई आर पॉसिबल। तो यहाँ जितने सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं इनके रेशियो निकलना, यहाँ कंप्लीट नंबर में दिए गए हैं तो इनकी रेशियो निकलना, ठीक है। रेशियो क्या है आप तो देख लिया ना, पेन वाला जो एग्जांपल दिया ना, आपके पास 12 पेन्स है और आपके दोस्त के पास 20 पेन है, तो ये 12 और 20 दोनों बड़ा नंबर है, पूरा नंबर है। तो जब 12 और 20 को 3:5 में कन्वर्ट किया रेशियो में, या फिर 3:5 में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो ये 12 और 20 के रेशियो है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पॉसिबल है वहाँ रेशियो लगाना है। तो रेशियो कब पॉसिबल होगा, जब दोनों नंबर्स सेम चीज़ बयान करेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 12 किलोमीटर्स और 4 आवर्स, यहाँ किलोमीटर लेंथ की बात कर रही है, यहाँ किलोमीटर मतलब लेंथ की बात हो रही है, और यहाँ आवर्स टाइम की बात हो रही है, ये लेंथ की बात हो रही है लंबाई की, और यहाँ टाइम समय की। तो क्या इससे रेशियो बनेगी, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, सेम चीज़ नहीं है। तो इसका रेशियो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसके आंसर में आप लिख सकते अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। दूसरे देखिए, 160 स्टूडेंट्स इज टू 12 टीचर्स। तो देखिए 160 स्टूडेंट्स, 160 पढ़ने वाले बच्चे हैं, और पढ़ाने वाले मास्टर जी कितने हैं, 12 हैं। तो क्या इन दोनों में रेशियो बन सकते हैं, ज़रूर बन सकती है। यहाँ अगर स्टूडेंट्स हैं और यहाँ टीचर्स हैं, लेकिन दोनों तो पढ़ना पढ़ाने वाले हैं ना, सेम कैटेगरी के हैं, ठीक है, और वो तो पीपल है, पर्सन्स हैं, तो हम रेशियो बना सकते हैं। तो ये बराबर होगा, देखिए सॉल्यूशन के पार्ट में इसको ऐसा ही लिखना, तो ये बराबर होगा इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू लिख सकते हैं, या फिर इसको यहाँ नीचे इज इक्वल टू 160, ये तो जो पहले होते हैं इसको ऊपर लिखना, और जो बाद में होते हैं इसको नीचे लिखना, 160/12। तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है, तो 4 से डिवाइड होगा। तो जब छोटा करना है ना, तो एक काम करना, दोनों नंबर्स के HCF निकालना, तो एक बार से कम समय में कैंसिल करके आप लास्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं। वरना अगर ऐसा दिक्कत है, अगर आपको लगे कि इसकी HCF निकलना और भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो एक चीज़ देखिए, 160/12 फर्स्ट दो से काट लीजिए दोनों को, 2 6 12 और 2 8 160। फिर से देखिए, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 40 80। तो यहाँ देखिए 3 आ गया ना, तो 3 और 40 में एक तो कैंसिल नहीं होगा, तो इज इक्वल टू 40/3 हो रही है, 40/3 तो लास्ट फॉर्म में आ गया, या फिर और लिख के 40:3 इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह देखिए, एंटीसीडेंट कौन से क्यों से बड़ा है, तो यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर है ये तो बताना नहीं है, जस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना, वही हमारे काम है ना, तो रेशियो में बदल दिया। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 5 hours/5 minutes, तो यहाँ आवर्स में और यहाँ मिनट्स में, तो भाई ये जो आवर है ना, इसको 5 hours को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5 hours, तो देखिए 5 hours इज इक्वल टू 5 × 60 minutes, 300 होगा, 300 मिनट्स, तो ये दोनों मिनट्स में आ गया। तो देयरफॉर आप लिखना 300 मिनट्स इज टू 5 minutes इज इक्वल टू 300 / 5।
इज इक्वल टू 300 को अगर 5 से डिवाइड दिया जाए ना तो 60 होगा, मतलब 60 बाई 1 होगा, नीचे 1 नीचे 1 होगा, तो और 60 इज टू 1, तो इसकी रेशियो आया 5 आवर्स और 5 मिनट्स की रेशियो है 60 इज टू 1। इजी है भाई। आप देखिए फोन नंबर 9 किलोमीटर इज टू 18 डेकामीटर, ठीक है, तो यहाँ किलोमीटर में और यहाँ डेकामीटर में दोनों ही लेंथ डिस्टेंस बता रही है ना, तो देखिए 9 किलोमीटर को हम डेकामीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ किलोमीटर बड़ा है, बड़ा यूनिट है, तो छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 किलोमीटर, तो देखिए देयरफॉर 9 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने डेकामीटर होगा, तो देखिए मिली सेंटी डेका मिली सेंटी डेसी ये तो आपको पता है ना, 10 मिलीमीटर 10 mm इज इक्वल टू 1 cm, 10 cm इज इक्वल टू 1 dm, मतलब डेसीमीटर 10 dm, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 m मतलब मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 dm मतलब डेकामीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 dm डेकामीटर इज इक्वल टू 1 hm हेक्टोमीटर, अच्छा 10 hm हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर km। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखना, हम डेकामीटर से कहाँ पे आ रही है, किलोमीटर पर, तो डेकामीटर से किलोमीटर पर आ रही है ना, तो देखिए तो एक किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर है और एक हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर है, ठीक है। तो टोटल देखिए एक किलोमीटर में कितने डेकामीटर है, 10 गुना 10 100, 100 डेकामीटर है। तो यहाँ देखिए 9 किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर है, तो 9 किलोमीटर में 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900 डेकामीटर होगा डीएम, ठीक है, इसको शॉर्ट लिख देता हूँ डीएम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इज इक्वल टू, अच्छा अच्छा आप देखिए देयरफॉर ये क्या है, 900 dm इज टू 18 dm इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 18, ठीक है। आप दोनों को काट पुट कर छोटा करना, तो यहाँ राफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 9 से अगर कटा जाए तो 9 टू जर 18 और 900 जर 900, अच्छा नेक्स्ट 2 से 2 वन जर 2 250 जर 100, तो 50 बाई 1 मतलब 50 इज टू 1, तो इज इक्वल टू 50 बाई 1 और 50 इज टू 1। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए 7 ग्रॉस इज टू 2 डजन्स, तो यहाँ देखिए डजन क्या है, डजन के मतलब ये तो पता है ना, 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीस, एक डजन में कितने होते हैं 12 पीस होते हैं, लेकिन ग्रॉस क्या है, ये बिल्कुल एक नया सा नंबर है। तो ग्रॉस मतलब क्या है, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन, एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं, कितने डजन 12 डजन होते हैं। तो देखिए यहाँ डजन दिया गया है और यहाँ ग्रॉस, तो इस ग्रॉस को हम डजन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए 7 ग्रॉस इज इक्वल टू एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं, तो 7 ग्रॉस में 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84 डजन होगा। यहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब पीसेस में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पीसेस होगा, पीसेस में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये डजन है, तो इसको भी डजन में कन्वर्ट करना, देयरफॉर कितने 84 डजन, 84 डजन्स इज टू 2 डजन्स इज इक्वल टू 84 बाई 2 इज इक्वल टू 42 बाई 1 और 42 इज टू 1 है, तो इसकी रेशियो 42 इज टू 1 है। अब देखिए 6 नंबर 3 वीक्स इज टू रुपीज़ 21, यहाँ देखिए वीक्स टाइम की बात, यहाँ देखिए रुपीज़ मनी की बात, पैसे की बात है, तो क्या इन दोनों सिमिलर चीज़ है, नहीं होमोजेनियस नहीं, तो इसलिए रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड रेशियो, इसमें रेशियो नहीं होगा। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए रुपीज़ 12.50
इज 2 रुपीज़ 50, तो यहाँ देखिए 12 रुपये और 50 पैसे और यहाँ 50 रुपये, तो दोनों तो भाई रुपीज़ में है, दोनों पैसे मनी है, तो इससे रेशियो होगी। तो फर्स्ट देखिए ये जो 12:50 है ना, यहाँ देखिए पैसे हैं डेसिमल पॉइंट, मतलब यहाँ 12 रुपये और 50 पैसे, तो यहाँ सिर्फ 50 है। तो एक काम करना, इन सबको पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पैसे में कन्वर्ट करके जो आएगा ना वही सेम रुपीस में भी आएगा। तो यहाँ देखिए जबकि डेसिमल पॉइंट है, तो अब हमारे इजी होने के लिए इन दोनों को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 12 रुपीज़ 12.50 इज इक्वल टू, देखिए 100 पैसे 1 रुपया, तो 12 रुपया 50 पैसे टोटल कितने पैसे होंगे, तो 100 × 12.50 इज इक्वल टू, जस्ट ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा और 12.50 होगा, 12.50 पैसे, शॉर्टकट पी लिखना। एंड यह क्या है 50 पैसे ना, 50 रुपये, ₹50 इज इक्वल टू 100 × 50 इज इक्वल टू, 50 के बाद और भी 2 जीरो लग जाएगा, 5,000 पैसे, यहाँ 1,250 पैसे और यहाँ 5,000 पैसे। तो देयरफॉर 1250 जो पहले है इसको पहले लिखना, 1250 P इज टू 5,000 P इज इक्वल टू 1250 अपॉन 5,000, ठीक है। तो यहाँ राफ कर लेता हूँ, 1250 अपॉन 5,000, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए 25 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, तो 25 5,000 125 और 25 20,000 500, ठीक है। अब देखिए 5 1 5 5 4 20, तो 1:4 होगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/4 और 1:4, तो इसके आंसर आया 1:4। अब एक नंबर देखिए, 8 m × 2 square km, देखिए 8 m, क्या ये दोनों सेम सिमिलर चीज़ है, नहीं, ये सिर्फ लेंथ है, लंबाई है, और ये एरिया स्क्वायर किलोमीटर, ये एरिया होते हैं स्क्वायर किलोमीटर, मतलब मान लीजिए एक इस टाइप के एक प्लॉट है, इस टाइप के एक प्लॉट है, इसके अंदर में कितने टोटल जगह है, कितने जगह इस प्लॉट ने ऑक्यूपाई करके रखा, ये होते हैं एरिया। और लेंथ की बात की जाए ना, ये तो 8 m की, तो लेंथ की बात हो रही है ना, तो लेंथ की बात मान लीजिए एक रास्ते की बात की जाए, तो किसी एक रास्ता मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 8 किलो 8 m है, 8 किलोमीटर है या फिर 8 m है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक लंबाई की बात हो रही है और यहाँ एक एरिया प्लॉट के एरिया की बात हो रही है, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए रेशियो अनडिफाइंड होगा, रेशियो इज़ अनडिफाइंड, रेशियो नहीं बनेगी। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, 10 ml × 5 l, तो यहाँ देखिए ml वॉल्यूम की बात हो रही है, ml, और यहाँ 5 l ये भी वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, मतलब पानी टाइप के जो चीज़ होते हैं ना, लिक्विड चीज़ होते हैं, इसकी जो मेजरमेंट होते हैं इसको मीटर लीटर किलो लीटर सेंटीलीटर डेसीलीटर ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 ml और यहाँ 5 l, तो ये है ml और ये है लीटर में, तो दोनों तो सेम यूनिट्स नहीं, पहले होमोजेनियस यूनिट्स में मतलब सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जबकि दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, वॉल्यूम की बात हो रही है, दोनों की सेम चीज़ है ना, तो ml जो है ना लीटर जो है ना इसको ml में कन्वर्ट कर लेना। तो देखिए 5 5 l में कितने ml होते हैं, 5 l इज इक्वल टू, देखिए एक चीज़ ml, 10 ml, ये देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट है, 10 ml इज इक्वल टू 1 cl, मतलब सेंटीलीटर, ठीक है, अच्छा 10 cl मतलब सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 dl डेसीलीटर, 10 dl डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 1 लीटर, लीटर, तो यहाँ लीटर में है ना। तो देखिए ml से लीटर तक आते आते कितने टेंस है, 3 टेंस है, मतलब 10 × 10 × 10 मतलब 1000, तो इसका मतलब है कि 1 l में 1000 मिलीलीटर है, ml है, तो 5 l इज इक्वल टू 5 × 1000 इज इक्वल टू 5000 ml,
आप दे आर फोर देखिए, ये तो एम एल में है, तो 10 ml इज टू, ये क्या है 5000 ml है, 5000 ml इज इक्वल टू 10 by 5000। तो लास्ट जीरो से लास्ट जीरो को काट लेना, यहाँ ऊपर 1 है तो मतलब 1 by 500, तो और 1:500, तो इसकी आंसर है 1:500। ये रेशियो कितनी हाई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन देयर लोएस्ट फॉर्म। यहाँ 4 रेशियोज दिए गए हैं, इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पूरा नंबर दिया गया है, इनको लोएस्ट फॉर्म में निकलना। तो फर्स्ट देखिए, 1.75 किलोमीटर इज इक्वल टू 2.25 किलोमीटर। यहाँ देखिए दोनों भी किलोमीटर्स में दिए गए हैं, किलोमीटर्स में, और दोनों डेसिमल नंबर्स हैं। तो यहाँ देखिए 1.75 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जस्ट जैसा यहाँ मान के डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट हटा कर इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ सोल्यूशन में डेसिमल पॉइंट लिखना भाई, 1.75 डिवाइडेड बाई 2.25। जब इनको देखिए, और भी एक इम्पॉर्टेंट बात पहले बताना मैं भूल गया, रेशियो में दिखाएंगे ना, तब यहाँ जो यूनिट्स होते हैं यूनिट्स नहीं लिखते। मान लीजिए 5:2, मान लीजिए आवर्स की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ आवर्स या मिनट्स ऐसे नहीं लिखना, या 5:2 आवर्स रेशियो रेशियो ऐसा ही नहीं लिखना, ये गलत है। ऐसा यहाँ पर लिखा जाए तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, इससे 5:2 मतलब 2.5 घंटा समझा जाएगा, ये रेशियो नहीं समझा जाएगा अगर यहाँ आवर्स लिखा जाए, मतलब यूनिट्स लिखा जाए। तो सीधा मतलब यह है कि रेशियो के बाद यहाँ जो यूनिट्स होते हैं ना, इसको नहीं लिखना। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा राफ सॉल्व कर लेते पॉइंट हटा के, ठीक है। तो 1.75 डिवाइडेड बाई टू, अच्छा सॉरी, 7 पॉइंट हटा दीजिए, तो 1.75 पॉइंट हटा दिया, 2.25 पॉइंट हटा दिया। आप देखिए, अगर आप चाहें तो 25 से दोनों को डिवाइड दे सकते हैं, इन दोनों के एच से 25 होगा, और 25 से डिवाइड देने से एक साथ कट जाएगा। अगर 25 से डिवाइड देने में दिक्कत है तो 5 से डिवाइड देना दोनों को, 5 से, फर्स्ट 5 से देना, क्योंकि दोनों के यूनिट प्लेस में 5 है और वो दोनों नंबर्स 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 3 15 बचेगा 2 25, 5 5 25 कट गया, 5 4 20 बचेगा 2 25, 5 5 25। आप देखिए फिर भी 35 45, फिर से फिर भी 5 से डिवाइड दे सकते हैं, 5 7 35 और 5 9 45। तो ये हमने राफ किया, तो इज इक्वल टू 7 by 9। तो यहाँ देखिए, अगर डेसिमल पॉइंट को ऐसा ही डेसिमल पॉइंट रख के अगर रेशियो निकाले तो वही 7 by 9 ही आएगा, तो इसको और 7:9, तो ये होगा आंसर। हाँ, अगर यहाँ डेसिमल पॉइंट मान लीजिए इसकी डेसिमल पॉइंट यहाँ है और इसकी अपनी जगह पे है, तो ये रिजल्ट नहीं आने वाला, या फिर इस पर डेसिमल पॉइंट नहीं है और इस पर डेसिमल पॉइंट है, तो ऐसा रिजल्ट नहीं आने वाला। हमें यहाँ कुछ करना पड़ता, क्योंकि यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट दोनों को हटा लिया, इसलिए कि दोनों के डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, मतलब डेसिमल प्लेस यहाँ बराबर है, यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 8 hours is to 24 minutes, तो ये आवर्स ये मिनट्स दोनों तो टाइम है, लेकिन ये बड़ा यूनिट में, ये छोटा यूनिट में, तो इसको भी छोटा यूनिट मतलब मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 hours इज इक्वल टू 8 into 60 minutes, मिनट में कन्वर्ट करना ना, तो मिनट्स 1 आवर में 60 मिनट्स होते, तो 8 into 60 480 minutes। तो देयरफॉर आप देखिए 480 मिनट्स इज टू 24 मिनट्स इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 24, तो इज इक्वल टू देखिए 24 1 जार 24 काट गया 24, और 24 20 जार 480, तो यहाँ 20 by 1 और 20:1 होगा रेशियो, 20:1। अब 3 नंबर देखिए, ₹5 25 पैसे, दोनों ही मानी है, पैसे है, रुपये है, तो यहाँ देखिए रुपीज़ में है और ये पैसे में है, तो ये जो रुपीज़ है ये बड़ा यूनिट है, तो हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए ₹5 is equal to 100 पैसे, 1 रुपये, तो 100 into 5 is equal to 500 पैसे, 5 रुपये में
500 पैसे होते हैं, तो देयरफॉर 500 पैसे इज टू 25 पैसे इज इक्वल टू 500/25। तो देखिए 25 वन 25 और 25 20 500, तो 20/1 और 20:1, इसके भी 20:1 आया। नेक्स्ट देखिए 75 kg इज टू 60 kg, तो ये दोनों kg में है, डेसिमल पॉइंट भी यहाँ नहीं, तो इजी हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 75/60। आप देखिए 75 है और 60 है, तो 75/60, तो 15 से काट सकते हैं। 15 4 60 और 15 5 75, तो इज इक्वल टू 5/4 और 5:4, तो 5:4। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 5 देखिए, 130 मेल स्टूडेंट इज टू 100 फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सिंपल है भाई, दोनों तो स्टूडेंट्स ही है ना, तो 130/100। तो देखिए 130 और 100 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो 13/10 होगा, तो इज इक्वल टू 13/10 और 13:10। तो ये तो बहुत इजी है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3-1 देखिए, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर टू रेक्टेंगल्स इन विच ए बी इज टू एट इज इक्वल टू 5:5 cm इज टू 12 cm एंड पी क्यू इज टू पी एस इज इक्वल टू 3 cm इज टू 5 cm, फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी डी इज टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो ये एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, दो रेक्टेंगल्स की बात हो रही है। मान लीजिए ये है एक रेक्टेंगल ए बी सी डी और भी एक रेक्टेंगल मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है पी क्यू आर एस। तो यहाँ ए बी इज टू ए डी 5 cm और 12 cm, ए बी इज टू ए डी, तो ए बी ये साइड और ए डी ये साइड। तो यहाँ देखिए इन दोनों साइड की रेशियो 5/12 cm करके है, 5/12 cm करके। तो ये जो ए डी के बाद में क्या है, 5 है और इसके बाद में 12 है। एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ ए बी टोटल लेंथ 5 नहीं, लेंथ कुछ और है, कुछ और लेंथ है, इन दोनों के रेशियो यहाँ 5:12 है, मतलब लास्ट फॉर्म में है। अच्छा दूसरे देखिए, पी क्यू इज टू पी एस इज इक्वल टू 3 cm इज टू 5 cm, तो पी क्यू के बाग में 3 है, तो पी क्यू ये 3 है और पी एस ये पी एस है ना, तो ये 5 है। तो आप देखिए दोनों की जो एरिया होते हैं, एरिया को एरिया के रेशियो निकलना, यहाँ तो नंबर्स नहीं है, ये जो मेजरमेंट है ये तो जस्ट रेशियो है, पूरा नंबर्स नहीं। पूरा नंबर्स अगर होता तो हम क्या करते हैं, इसके एरिया निकलते हैं, ठीक है। इसके एरिया क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल के एरिया, इसकी भी ऐसे ही लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम दोनों के एरिया निकाल सकते हैं, और इसके बाद एक के एरिया दूसरे के एरिया के साथ कंपेयर करके हम रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो लेंथ ब्रेथ दोनों दिया गया है, पूरा नंबर्स नहीं दिया गया, इनके रेशियो दिया गया है, तो लिखना एरिया ऑफ ए बी सी डी इज टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ देखिए 5/12 रेशियो, यहाँ देखिए 3/5 रेशियो में दिया गया है, मतलब पूरा नंबर नहीं दिया गया है, तो इसको मान लेते हैं कि भाई ये और 5/12 जो है ना, इसको पूरे नंबर के लिए, पूरे नंबर पाने के लिए तो किसी एक कॉमन मल्टीप्लायर होगा ना, जिससे वही दो पूरा नंबर्स को डिवाइड देकर स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब 5/12 पर लाया गया। तो मान लेते हैं ऐसी x है, तो इसको मान लीजिए 5x और इसको 12x मान लीजिए, वैसा ही इसको y मान लीजिए 3y और इसको 5y मान लीजिए। आप देखिए इसकी एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो ए डी इंटू क्या है, ए बी है, तो ए डी क्या है 12 x इंटू 5x इज इक्वल टू 60x² हो रही है। ये एग्जांपल के लिए डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए, इसको देखिए पी एस इसकी एरिया क्या होगा, ये तो एरिया है ना, इसकी एरिया क्या होगा, इसकी एरिया होगा पी एस इंटू पी क्यू, पी क्यू तो पी एस क्या है 5y इंटू पी क्यू क्या है 3y, तो इज इक्वल टू 5 3 15
15 y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो इसके एरिया क्या आया 60x स्क्वायर और इसके एरिया आया 15y स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के एरिया को अगर कंपेयर किया जाए ना, तो इसके एरिया क्या है पहले है ना, तो ये है 60x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15y स्क्वायर। आप काट पुट कर सकते हैं, 15 15 15 4 60, तो 4x स्क्वायर बाई y स्क्वायर फाइनली ये आया। आप ध्यान देने वाली बात ये है कि इस चीज़ को हमें कैसे मिला ए डी इंटू ए बी, और इस चीज़ को कैसे मिला पी एस इंटू पी क्यू ना, तो आप देयर फोर एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए डी इंटू ए बी डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है पी एस इंटू पी क्यू, पी एस इंटू पी क्यू। ठीक है, तो इज इक्वल टू ए डी क्या है, देखिए ए डी 12 है, आप एक्स हटा लीजिए कुछ देर के लिए, एक्स हटा लीजिए, ए डी इज इक्वल टू 12 इंटू ए बी क्या है 5 है डिवाइडेड बाई पी एस इंटू पी क्यू क्या है पी एस 5 है, तो 5 इंटू पी क्यू 3 है, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 4 हुआ अच्छा, तो 4 बाई 1। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 के 2 देखिए, इन द रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, ए बी इज टू ए डी इज इक्वल टू पी क्यू इज टू पी एस इज इक्वल टू एक्स इज टू वाई। तो यहाँ देखिए मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, और एक रेक्टेंगल मान लीजिए ये है पी क्यू आर एस है। ठीक है, तो ए बी इज टू ए डी, तो ये जो ए बी साइड है और ये जो ए डी साइड है इस रेक्टेंगल के, इन दोनों के रेशियो जो है ना वो पी क्यू इज टू पी एस इस रेक्टेंगल के इन दोनों साइड के जो रेशियो है बराबर है। मतलब क्या है, इन दोनों साइड की रेशियो और इन दोनों साइड की रेशियो बराबर है, और वो किसके बराबर है एक्स इज टू वाई के, मतलब एक्स बाई वाई के बराबर है, तो ये दोनों एक्स बाई वाई के बराबर है। ठीक है ना, तो इन दोनों के एरिया के रेशियो क्या होना चाहिए, तो देखिए, तो यहाँ देखिए ए बी इज टू ए डी मतलब क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू पी क्यू इज टू पी एस, यहाँ बीच में इक्वल साइन है ना, तो पी क्यू इज टू पी एस मतलब पी क्यू डिवाइडेड बाई पी एस इज इक्वल टू एक्स इज टू वाई मतलब एक्स बाई वाई। अब देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है बराबर है, तो हम इसको इसके साथ एक बार फिर से इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। अब देखिए देयरफॉर ए बी अपन ए डी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इम्प्लाइज ए बी को इस साइड में रखेंगे, ए बी इज इक्वल टू इस साइड में क्या आएगा, ये जो ए डी नीचे है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के टाइम में हम क्या करते हैं ऐसे ही क्रॉसली मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो इसको तो हम अपनी जगह में रख दिया, तो इसको इस साइड में लाया जाएगा, तो क्या करना ये जो ए डी है इसके साथ इंटू होगा, तो एक्स बाई वाई इंटू ए डी हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखिए एंड इसके साथ इसको पी क्यू बाई पी एस इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इम्प्लाइज आप पी क्यू की इस साइड में रखेंगे, तो पी क्यू इज इक्वल टू तो इस साइड में क्या होगा एक्स पी एस इसके साथ इंटू होगा, तो एक्स बाई वाई इंटू पी एस। ठीक है ना, आप देखिए ए बी किसके बराबर है इस चीज़ के बराबर है, पी क्यू किसके बराबर है इस चीज़ के बराबर है। अब दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया के फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया के फॉर्मूला, तो नाउ देखिए एरिया ऑफ ए बी सी डी इज टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, तो इसकी एरिया की बात की जाए ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए बी इंटू ए डी, तो ए बी इंटू ए डी रेशियो है ना, तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा पी क्यू इंटू पी एस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पी क्यू इंटू पी एस इज इक्वल टू, आप देखिए ए बी किसके बराबर है एक्स बाई वाई इंटू ए डी के बराबर है, तो एक्स बाई वाई इंटू ए डी फिर से इंटू ए डी है इंटू ए डी, नीचे देखिए पी क्यू किसके बराबर है एक्स बाई इंटू पी एस एक्स बाई वाई इंटू पी एस के बराबर है, और यह ऑलरेडी एक पी एस है
तो फिर से इंटू पी एस इज इक्वल टू एक्स बाई वाई कैंसिल, तो ए डी इंटू ए डी ए डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी एस इंटू पी एस पी एस स्क्वायर, तो इज इक्वल टू दोनों को एक साथ आप स्क्वायर में अंदर कर सकते हैं, तो ए डी अपन पी एस होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन दोनों के एरिया के रेशियो है ए डी बाई पी एस होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है भाई फाइनल आंसर आप, ठीक है। तीन नंबर देखिए, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर सर टू स्क्वायर सच दैट ए बी टू पी क्यू इज इक्वल टू एच टू बी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ए बी सी डी एंड एरिया पी क्यू आर एस। तो यहाँ देखिए दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर एक स्क्वायर ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस। तो यहाँ देखिए स्क्वायर का चारों साइड्स तो बराबर होते हैं ना, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखिए ए बी इज टू पी क्यू इज इक्वल टू ए इज टू बी, ए बी इज टू पी क्यू, तो ये जो ए बी है ये है ए और ये जो पी क्यू है ये है बी। तो यहाँ देखिए यहाँ ए बी मतलब सारे साइड्स साइड्स के लेंथ ए है और यहाँ पी क्यू मतलब सारे साइड्स स्क्वायर में लेंथ में बराबर है और वो बी है। तो इन दोनों के स्क्वायर के एरिया, यहाँ तो रेशियो दिया गया है, यह जो ए है और यह जो बी है दोनों रेशियो रेशियो है लास्ट फॉर्म में, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, यहाँ तो दोनों स्क्वायर है ना, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी तो ए है और पी क्यू क्या है बी है, तो ए बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, बिटवीन ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल फ्रॉम ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन। तो यहाँ तीन साइन है, ये साइन और ये साइन, ये दोनों इनइक्वलिटी साइन है और ये तो इक्वल साइन है। तो यहाँ चार रेशियोज, चार चार रेशियोज दिए गए हैं, चार जुड़ा रेशियोज दिए गए हैं, इनमें इन दोनों में कौन से छोटा है बड़ा है ये निकलना, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए 4:7 9:14, देखिए तीन तरीके हैं, यहाँ जो रेशियो मतलब ये तो फ्रैक्शन बन रही है ना, तो कौन सी रेशियो छोटा होगा कौन सी रेशियो बड़ा होगा, इसको निकालने के लिए तीन तरीके हैं। एक तरीके ये तो देखिए ये क्या हो रहा है सॉल्यूशन में, ये इज इक्वल टू 4/7 और ये क्या हो रहा है 9/14 हो रही है, ऐसा ही होता है ना, ये है एंटीसीडेंट पहले लिखा जाता है और कॉन्सिक्वेंट नीचे लिखा जाता है। तो अब देखिए 4/7 को मतलब 4 को 7 से डिवाइड करना, डिवाइड दीजिए डेसिमल नंबर आएगा, और 9 को भी 14 से डिवाइड दीजिए इससे भी डेसिमल नंबर आएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। तो दोनों में डेसिमल पॉइंट तो आएगा, ठीक है। तो इसके बाद कंपेयर करना कि डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट फर्स्ट आ रही है, यह बड़ा है या फिर छोटा है दोनों में, या अगर फर्स्ट डिजिट बराबर आ जाए तो सेकेंड डिजिट देखना, सेकेंड डिजिट भी बराबर आ जाए तो थर्ड डिजिट देखना। तो ऐसे ही एक तरीका है निकल सकते हैं। दूसरा तरीका है देखिए, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए फ्रैक्शन मानिए, एक्चुअल में तो ये फ्रैक्शन ही है, तो 7 और 14 के एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो नीचे जो हिस्सा है ना मतलब कॉन्सिक्वेंट बराबर हो जाएगा, आप ऊपर दोनों नंबर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसके नंबर बड़ा आएगा वही बड़ा होगा, जिसके छोटा आएगा वही छोटा होगा। तीसरे जो मेथड है ट्रिक है वो बहुत सी शॉर्टकट ट्रिक है और मुझे लगा है कि वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है वो प्रोसेस फॉलो करना, और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। तो वो ये है कि इसको मान लीजिए, इससे इसको माइनस कर लीजिए, इससे इसको माइनस कर लीजिए, मान लीजिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, मान लीजिए 2 है और 5 है, 2 और 5 में कौन सी नंबर बड़ा है ये तो देखने से ही पता चल जाती है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए पता नहीं तो एक काम कर लीजिए 2 से 5 को माइनस कर लीजिए, ये बाद वाले नंबर है ना, 5 को माइनस कर लीजिए, अगर यहाँ रिजल्ट मतलब डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो माना जाएगा कि भाई वह नंबर छोटा है और वो बड़ा है, क्योंकि जब किसी बड़ा नंबर को छोटे नंबर से माइनस किया जाता है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो -3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, बड़ा नंबर को माइनस किया ना, इसको माइनस किया और इसको माइनस करने के फल क्या हो, नेगेटिव नंबर आया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है ना
ये लेस देन फाइव है। और अगर यहाँ पॉजिटिव आता, अगर ये पॉजिटिव आता ठीक है, तो इसका फल क्या होता कि ये नंबर बड़ा नंबर होता, क्योंकि बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करने से ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव कोई नंबर मिलता है। और अगर छोटा नंबर से माइनस किया जाता बड़ा नंबर को तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स हमें मिलता है। तो यहाँ भी सेम होगा। तो देखिए फोर बाई सेवन माइनस नाइन बाई फोर्टीन, तो देखिए 14 और 7 की एलसीएम तो 14 होगा ठीक है। तो 14 में 4 देखिए 7 टू टाइम्स है, 2 4 जार 8 माइनस यहाँ क्या है 9 है, तो 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 1 बाई 14, ये तो लेस देन जीरो है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये छोटा है और ये बड़ा है और छोटा नंबर से बड़ा नंबर को माइनस किया जाए तब भी तो लेस देन जीरो आएगा ना, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यह नंबर छोटा है और देयरफॉर ये जो दो फ्रैक्शन है आपने अपनी जगह में रखना, 4:7 इज ये साइन होगा, लेस देन साइन ये है, इज लेस देन 9:14 हुआ ना। नेक्स्ट वो नंबर देखिए 11:21 और 19:28। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने तीन तरीके बताया है ना किसी भी एक तरीके आप ले सकते हैं। अच्छा तो ये बराबर क्या होते हैं 11/21 और ये क्या होते हैं 19/28। आप देखिए एक काम कीजिए 11/21 और यहाँ नीचे लिखिए फिर से 19/28। यह मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ ठीक है। तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए 11/21 जैसा है वैसा ही लिखना, ये 19/28 जैसा है वैसा लिखना, इनटू मतलब यहाँ क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो देखिए 21 दोनों डिनोमिनेटर की एलसीएम ले लीजिए, 21 और 28 की एलसीएम क्या होगा, देखिए 7 से डिवाइड जाएगा, 7 3 21 और 7 4 28, तो 3 4 12 और 7 12 84 होगा। तो इज इक्वल टू यहाँ 84 इज इक्वल टू यहाँ भी 84 ठीक है। अब देखिए यह 84 पाने के लिए 21 को कौन से नंबर से इंटू करना पड़ेगा, 4 से, 4 21 84, तो वही 4 से ऊपर के जो नंबर है इसको भी मल्टीप्लाई करना। यहाँ देखिए 84 पाने के लिए 28 को कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करना, 3 से, तो ऊपर के नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देखिए 4 11 44, 3 19 57। यहाँ देखिए नीचे जो नंबर है ये सेम है, डिनोमिनेटर सेम आया, अब ऊपर के नंबर देखना, न्यूमरेटर देखना, जिसकी न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा, जिसकी न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा। तो यहाँ देखिए इसके छोटा है ना, इसके बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन छोटा होगा और ये फ्रैक्शन मतलब ये रेशियो छोटा है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 11:21 इज लेस देन 19:28 ठीक है। अच्छा इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से माइनस करके भी आप पता लगा सकते हैं, अगर नेगेटिव आया तो वो छोटा है, अगर पॉजिटिव आया तो वो बड़ा है। तो यहाँ तो ये छोटा है ना, तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए 47:60 91:108, तो इज इक्वल टू 47/60 और यहाँ 91/108। अब देखिए इससे इसको माइनस कर दीजिए तो देखिए 47/60 माइनस 91/108। तो माइनस करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर की क्या करना पड़ेगी, एलसीएम लेनी पड़ेगी। तो एलसीएम ले लीजिए 60 और 108 की, तो 2 से जाएगा 2 30 60 और 2 54 108, फिर से 2 से होगा 2 15 30 और 2 27। अब देखिए 3 से होगी 3 5 15 और 3 9 27। अब देखिए यह है एक 9 बचा, तो फिर से 3 × 3 नहीं वही 9 हो जाएगा। तो आप काउंट कर लीजिए। अच्छा आप देखिए ठीक है 2 5 10 ठीक है 2 3 6 और 6 9 54, तो 54 × 10 ये 2 5 10 हो रही है ना, तो 540 होगा। तो एलसीएम 540 हो रही है ठीक है। अब देखिए 540 में 60 कितने बार है देखिए, तो यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो देखिए 2 2 4 3 4 12 और 5 12 60 ठीक है, और 60 × 9 540, तो 9 टाइम्स जाएगा 47, तो 9 × 47 क्या होगा,
423, यह माइनस है, माइनस लगाना। अब देखिए 108 कितने बार है, 108 540 में कितने बार है, 5 टाइम्स है, तो 5 से इसको इंटू करना, तो 591 जर किया होगा, 591 जर 4455 होगा, 455, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यह चीज़ देखिए, 423 और ये 4055, ये 423 4055 से छूटा है ना, तो इसी इसको माइनस किया जाए तो एक नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो देयर फोर 47:60 ये भी लेस देन होगा, इज लेस देन 91:108 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन, 4:13 एंड 8:260। तो देखिए 4:13 मतलब 4/13, और यहाँ क्या होगा 80/260। तो आप देखिए 80/260, तो जीरो से जीरो तो फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 4 8 और 2 13 26, तो इज इक्वल टू ये क्या आ रही है, 4/13 आ रही है, तो ये भी 4/13 है और ये भी 4/13 है, तो दया बराबर, दोनों तो बराबर है ना, तो 4:13 इज इक्वल टू 80:260, ठीक है।